अस्सलामुअलैकुम मेरी टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और यकीन करें आंखें भी नहीं खुली मेरी सही से। हस्बैंड ने सबको उठा दिया ज़बरदस्ती कि उठो उठो उठो, नाश्ते पे चलो, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो बस चक्कर आ रहे थे नींद से, लेकिन सब उठ गए। अहमद तो रो रहा था कि मुझे नहीं जाना नाश्ता वाश्ता करने, सबको उठा दिया है। और बस अब हम जाएंगे नाश्ता करने के लिए कहीं बाहर, तो चले निकलते हैं। चलो जी चले। हेलो जी, मुर्गियाँ हमारी कैसी हो? मुर्गा उधर है, बकरे बाहर हैं। आओ भाई आओ, अपने बकरों से मिले सुबह सुबह। आ जाएं भाई, बकरों से मिलते हैं। मैं अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? कैसे हो? इतने दिनों बाद नहीं, टक्कर नहीं मारना मुझे। अस्सलामुअलैकुम, आप भी कैसे हैं छोटे मियाँ? और वो आया है एक और, अलग से बै 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 कर रहा है, वो है नोमी भाई का। वालेकुम अस्सलाम जी। ये इसको तो मुझे देख के बै बै क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बना रही हूँ बेटे, प्यार करवा रहे हो, मुझे मारना नहीं। हाँ, चप्पल है, सैंडल है। जैनू की सैंडल को पता नहीं क्या समझ रहे हैं मेरे हाथ में। जैनू की सैंडल है, पता नहीं क्या समझ रहा है ये। ये 40 के, 43 का ही। हाँ बेटे, बता चुके हैं 100 दफा। हेलो, इधर आओ। अबे दोनों ये छन 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 पायल। हाँ देखा है मैंने। नहीं नहीं, कान से नहीं खींचो, मुझे बड़ा बुरा लगता है, कानों से नहीं खींचो उनको। ओए बादल गरज रहे भाई, आपने देखा यहाँ पे पूरा समा मेरा बच्चा सुबह सुबह दुआएं मांग रहे, धूप निकल गया, बस पक गया है वो। हमारी बेंच भी गंदी हो रही है। चलें भाई निकलते हैं फिर हम नाश्ते के लिए। क्या हुआ, वो लोग नहीं आ रही? क्या हो गया, उठाया क्यों था आपने हमें? यार मेरी चप्पलें ख़राब हो जाएंगी, इधर तो कीचड़ है। टाटा टाटा, चलते हैं हम। और ये बच्चा जो है, चलो तुम पीछे बैठ जाओ। मैं पीछे बैठूं? इनको देखें ज़रा। हाँ ये चार्जेबल फैन जैन के साथ जाता है, क्योंकि जैन को बड़ा मज़ा आता है इसको बटन। इसको कितना बुरा लग रहा है। अकेले मम्मा को, मम्मा को लाते मार रहे हैं, मुझे नहीं आने दे रहे। मम्मा को गोद में बिठाओगे? चलो चलो भाई चलो। आज क्या मौसम की अपडेट है? कुछ बारिश, थोड़ी देर में बारिश है। हां तो बादल नहीं दिख रही। अच्छा बारिश, बादल। जंगल जंगल और जंगल और हरा भरा हो गया हमारा, देखा आपने? क्वार्टर्स जो है वो ये कितना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ देखें आप बकरे की छोटी सी मंडी लगा के बैठे हुए, जानवर बहुत बड़ा है भाई, सब लोग लेके बैठे हुए बाहर। कितने बकरे हैं, बस लास्ट डे बचा है ना, तो इतने ज्यादा जानवर हैं, हर तरफ जानवर ही जानवर। और हम सब आके बैठ गए हैं हलवा पूरी खाने। पता नहीं ये कौन सी जगह है, क्या नाम है इसका, कोई राजपूत है। अहमद का मूड ख़राब है सख्त, क्योंकि अहमद हलवा पूरी नहीं खाता, उसको कचौरी खानी थी और कचौरी मिली नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चाय पराठा खिला दूँगी, सदमा नहीं करो। चलें जी, हलवा पूरी आ गई हमारी। हलवा तो आया ही नहीं, आ जाओ देख, शुरू हो जाओ, तुम्हारी हलवा पूरी आ गई है। हलवा पूरी थोड़ी होती है, सब्जी और चने होते हैं। किसकी? एक चाय एक पेप्सी। ये लो बेटे खा के बताओ। चाय आ गई है, थैंक यू। नहीं नहीं, मदर के दूर मैं भी मंगाऊंगा। कहाँ पे?
ओह बेचारे गिर गए। नहीं नहीं ये बाइक से गिर गए बेचारे। मैं भी खाकर देखती हूँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। आपको भी खानी है? चले भाई थोड़ी पूरी रोटी वाली भरी है। इनका कलर कितना यूनिक सा है। अच्छे नहीं है बाबा। वो है लेकिन बाल वाले जो। हाँ बाबा दो कितने का है? हाँ दो कितने किलो का है? 35। अच्छे भाई 35 के तो दो। चले भाई बकरे भी आ गए हमारे साथ ही खड़े हुए। पहाड़ी टाइप के हैं लेकिन इनका कलर कितना यूनिक सा है ब्लैक एंड। गंदगी भी शुरू कर दी। चले जी हमारा नाश्ता तो फिनिश हो चुका है। हलवा पूरी पूरी अच्छी थी। मैं दूंगी इसको 10 में से 10 मार्क। 10 में से 10 वो 10 में से 8 की बात है। 10 में से 8 दूंगी। मम्मा 10 में से 10 10 में से 10 बोली हूँ। 10 में से 8 नंबर दूंगी मैं उसको। ये बच्चे ने जो है ना बहुत तबाही मचाई है। खाया पिया इसने कुछ नहीं है और ये बैठा हुआ है पराठे के इंतजार में। अच्छा 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 मेरे पास आना है। चलो क्यों खा लो। चले जी हम जा रहे हैं। हमारा नाश्ता हो गया और एम साबिर राजपूत से हमने नाश्ता कराया है मेन सफूरिया से। अहमद को करवाना है। अहमद आपने पार्सल लेना है। अरे रवान उतरे हैं बकरों का ना खाना देने के लिए। वो बकरा दे पोल पे चढ़ा हुआ है। इतना माल है हमेशा सस्ता मिल जाएगा। इतना बकरा है लास्ट डे में बकरा। छोटे छोटे थे तुम भी आज यार। आज में रश देखना कितना होगा। कितना बकरा पब्लिक ही पब्लिक होगी आज जो है ना। उस दिन हमने काउ व्लॉग बनाया था। आज हम बना रहे हैं बकरा व्लॉग बकरा मंडी का। और साफ सुथरे प्यारे बकरे। हाँ अच्छे कितने के है? अरे जोड़ी कितने का है? जोड़ी कितने का है? 70 सर 70। 70 का है? हाँ देने वाली बात है। घर के पले में देने वाला 70 है। 60 के दे देगा। गिर गए ना रेट। तुम भी देखें कितने गिर गए रेट। मुंह से 70 बोल रहा है। और बड़े बड़े मंडी कितने अंदर जानवर बकरे बकरे। हाँ यहीं से लिया होगा। चले यार अल्लाह ताला जितने ये लोग रहेंगे ये रोजी बना दे। आज आज उनके बकरे बिक जाए रब्बुल आलमीन। इतनी आसरा होता है यार अल्लाह मियां बिक जाए इनके बकरे यार। इतनी इससे बैठे हुए बेचारे आस में ले लें बुला रहे देने वाली करेंगे। बड़ा दिल दुखता है मेरा ना ये जा रहे भर भर के। अच्छे यार लंबे कान वाले। ये भी पूरी बकरा मंडी बनी हुई है हॉन्टेड हाउस के पास। हॉन्टेड फ्लैट्स हैं उनके पास भी एक मंडी लगी हुई है। बादल देखें आप कितने हमारे एरिया में ही है नजर आ रहे हैं बादल। यहाँ बाहर इतने नहीं है बाहर आगे बहुत है बादल। और मेरा तो हो रहा है नींद से बुरा हाल। आओ जैनू अंदर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ क्या कर रहे हैं? नहीं चाहिए पानी वाला बर्तन। खाना बन रहा है बकरों का। ये क्या दाना है? और दाने में क्या मिक्स करेंगे? भूसी भूसी। ये पूरा आ जाओ खाना रेडी। शुक्रिया मैं खा पी के आई हूँ। आप खुद खा ले। आ गए यार। जी नहीं ऑर्गेनिक है फुल फुल ऑर्गेनिक। चखे देता है चखो। शुक्रिया। चलो जी बकरों को खाना खिलाते हैं। इतना दूर करा हुआ है वो कैसे खाएगा? उसकी टांग फंसी हुई है। हाँ रस्सी फंसाई हुई है बेचारे ने। ओए बकरे ओ बेवकूफ रस्सी फंसा ली तुमने अपनी टांगों में। ओए ला तो वजन है उतर भी नहीं रहा। टक्कर मार रहा है रिजवान। आपको सींग लग जाएगा रिजवान। सींग मार देगा। ओए ला निकल गई ना। भूखा इतना हो रहा है। वो भी बेचारा इतना भूखा हो रहा है वो तो वहाँ से कूद कर आ गए। ला रहे भाई सबर करो तुम्हें भी ला कर दे रहे हैं।
बेचारा इतना भूखा हो रहा है, उसको अलग तन्हाई का शिकार क्यों किया हुआ है बेचारे को। भुक्कड़ों का हाल देखें आप जरा। आओ जैनू मेमा के पास आओ, आ जाओ, आ इधर आओ, अंदर आओ। डरपोक, खा लो खा लो खा लो, उसके सर पे भी गिरा रहे हो उसको। वो बेचारा वहां से झांक रहा है रिजवान ऐसे नदीदों की तरह, अहमद लग रहा है वो मुझे। ये वाला बर्तन बेटा कितने घर के वो काफी है उसके लिए। रिजवान वो देखें बेचारे की हालत। ओ भाई चीको नहीं, चलो उसके पास चलते हैं। उसकी रेंज में आ रहे हैं। पानी डाल दिया सबको, चले जी मैं घर आ गई थी। मैंने जल्दी बनाई जैनू की चाय और अहमद को बना के दिया है एग सैंडविच, तो उसमें से थोड़ा सा ऑमलेट बचा लिया ताकि मैं जैनू को खिला दूं, और ब्रेड। अब चलते हैं नीचे, और मैं नीचे आ गई हूँ। और ये अभी पता है जैनू के खाने में घुस रहा था। अब बच्चे वॉक करा रहे हैं ताकि बारिश से पहले पहले जो है वो वॉक करा लें। चले मैं जैन को करा देती हूँ नाश्ता ताकि वो कुछ खा ले। जी व्यूअर्स, तो हम घर आ गए थे। घर आके मैं और जैनू तो दोनों बेखबर होके सो गए थे, बिल्कुल बेहोश सोए थे, क्योंकि मैं रात में भी बहुत मुश्किलों से सोई थी और सुबह ही उठा दिया था रिजवान ने। तो अब उठकर जो है बस आज मुझे जो है खिचड़ी बनानी है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना पकाने के लिए, क्योंकि कल से फिर गोश गोश शुरू हो जाएगा। तो खिचड़ी बनाऊंगी खाने में, और कुछ जो है कल की प्रेप करके रख दूंगी। जैसे मैंने प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी वो पीस के उसका पेस्ट बना के रख दूंगी, चटनी पीस के रख दूंगी। बाकी ये कि बेडशीट चेंज करनी है मुझे, और छोटे मोटे अपने काम निपटाने, तो बस वो अब स्टार्ट करूंगी मैं। और शुक्र है थोड़ी देर सो गई थी तो लग रहा था सर बड़ा घूम रहा है, अब जाके जो है थोड़ा बेहतर हुआ है। तो चलें अब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, तो किचन में चलते हैं। जी दोस्तों, तो मैं यहाँ किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैंने सोचा कि बच्चों के लिए शेक बना कर रख देती हूँ ताकि बाकी चीज़ों की जो है ना वो ब्लेंडर में स्मेल ना आए। तो यहाँ पे मैं दो मैंगो जो थे वो बच्चों के लिए काट के शेक बना दूँगी। दो मैंगोज़ मैंने काट लिए थे, और दो एक एक पाव के दूध के ये पैकेट थे मेरे पास, और 4 से 5 चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी डाली थी, मतलब 5 से 6 ही डाली थी क्योंकि बहुत छोटे छोटे टी स्पून थे, तो उससे जैसे तकरीबन 5 से 6 ही मैंने इसमें टी स्पून डाले थे चीनी के। और मैंने जल्दी से शेक बना लिया था बच्चों के लिए ताकि वो शेक पी लें। शेक तो मैं डेली ही बनाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि वो वैसे तो कुछ खाते नहीं हैं, तो इसी बहाने वो शेक ही पी लें। तो बस जल्दी से मैंने सबसे पहले शेक बना के रख दिया उनके लिए ठंडा करने के लिए, क्योंकि आजकल सिर्फ बच्चे जो है ना वो बाहर गायें बकरों में पागल हुए हैं, उनको कुछ खाने पीने का होश नहीं है। तो बस आते हैं तो मैं उनको कम से कम एक एक ग्लास शेक दे देती हूँ कि शेक पी के चले जाएँ। तो बस यही चल रहा है आजकल तो भाई हर घर में बच्चों के साथ। तो अब मैंने ब्लेंडर को वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने ये प्याज जो थी वो ब्राउन करके रख ली थी। तकरीबन मेरे पास ये 6 से 7 जो थी वो मीडियम प्याज थी, इनको मैंने ब्राउन करके निकाल लिया था, कड़क बिल्कुल क्रिस्पी हो गई थी ये ना। उसके बाद मैंने एक एक पाव के तकरीबन पहले मैंने एक पाव ली थी दही को, और उसके बाद फिर मैंने एक पैकेट में से हाफ डाला था, हाफ मैंने रोक लिया था, लेकिन बाद में मैंने हाफ भी डाल दिया था वो, क्योंकि कम लग रही थी मुझे दही। तो यानी कि एक एक पाव के 2 पैकेट डले थे इसके अंदर इन प्याज़ों में। तो ये मैंने पेस्ट बनाकर रख लिया था, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है अगर इस तरह की प्रेप आप करके रख लें पहले से, कि कोई सालन बनाना हो आपको, कोफ्तों का है, अंडों का है, चिकन का है, कोरमा है, तो बहुत ईज़ी हो जाता है आपके लिए ना बनाना। तो बस मैं ये बना के रखती हूँ, वैसे भी रखती हूँ नॉर्मल रूटीन में भी बना के रखती हूँ दही प्याज का पेस्ट, तो मैंने ये बना के रख दिया था। अब बारी थी चटनी की, तो बस ब्लेंडर वॉश कर लिया था दोबारा चॉप, और उसके अंदर मैंने ये हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, हरी मिर्चें डाल दी
डाल दी थी। और ये इतना बच्चों वाली होती है ग्रीन वाली चटनी, हर किसी को ही आती है, कोई इसमें अलग से कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है। बस इसके अंदर मैं डालती हूँ थोड़ा सा ये नमक डाल रही हूँ मैं, और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत से लोग डालते हैं, बहुत से नहीं डालते, मैं थोड़ी सी डालती हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, और आप साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं इसके अंदर ना। और इसके अंदर मैंने डाला ज़ीरा, और लेमन डालती हूँ मैं, लेकिन मैं भूल गई थी लेमन जूस डालना, तो मैंने बाद में जो है वो डाल दिया था चटनी में। लेकिन आप जो है जब ब्लेंड कर रहे हो उसी वक्त आप इसके अंदर नींबू डाल दें तो अच्छी रहती है ना, और थोड़ा लंबा चल जाती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है ना, और टेस्ट में भी अच्छी लगती है। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं खट्टा करिएगा कि बिल्कुल ही वो खट्टी वाली चटनी बन जाए, क्योंकि ये टिपिकल जो है ग्रीन चटनी है, तो ये बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं होनी चाहिए। तो बस इसमें एक ही लेमन जो है वो बहुत होता है, तो बस मैं इसके अंदर मैंने बाद में ऐड कर दिया था लेकिन लेमन। अभी जो है बस मैं इसको निकाल लूँगी अपने इस छोटे से जार में। मेरी फैमिली के लिए तो ये इनफ होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई चटनी खाता नहीं है, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, या रिजवान कभी पुलाव वगैरह के साथ खा लेते हैं ज़्यादातर, तो बस मैं और रिजवान ही खाते हैं, ये तो हमारे लिए इनफ होती है ये। और इधर मैं आ गई थी अब खिचड़ी बनाने के लिए जल्दी जल्दी, तो खिचड़ी की तो कोई ऐसी रेसिपी है नहीं, सबको ही आती है नॉर्मल रूटीन में जो बनती है खिचड़ी। एक प्याज ले लिया था मैंने मीडियम, उसको बस मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। इसमें सारा साबुत गर्म मसाला डाल देंगे, और साबुत गर्म मसाले का भी सबको पता होता है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, ज़्यादा नहीं डालेंगे लहसुन अदरक। और ये देखें आप गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो बस इसको हम अदरक लहसुन के साथ जो है वो फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और इसमें डालूंगी मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी, मैं हल्दी ज़रूर डालती हूँ खिचड़ी में, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, और हल्दी ज़रूर डालिएगा, वो फीकी से कलर वाली खिचड़ी ना अच्छी नहीं लगती, तो मैं तो हल्दी ज़रूर डालती हूँ। यहाँ मैंने मूंग और मसूर की दाल और चावल भिगो के रख दिए थे, मूँग मसूर की दाल की खिचड़ी बन रही है रेड एंड ऑरेंज दाल की, तो मैं तो कलर से ही नाम जो है वो दालों के पहचान में आते हैं, मुझे दालों में हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। यहाँ जो थे वो फैलावा हो चुका था बर्तनों का, तो बस मैं जल्दी जल्दी अपने बर्तन क्लीन कर रही थी, किचन भी क्लीन कर रही थी, तो बस यही होता है रूटीन के, तो यही काम होते हैं औरतों के, आधी ज़िंदगी जो होती है वो किचन में ही गुजर जाती है, और आधा टाइम जो होता है हमारा किचन में ही होता है, कमरे में तो बहुत ही कम गुजरता है वक्त। और बस बेचारा मेरा बच्चा जो है वो मेरे पीछे 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 रहता है, किचन में भी कमीज़ पकड़ता रहता है, और इतनी सारी शर्टें आप यकीन करें इससे मेरी ना खींच खींच के चौकों के पास से जो है ना वो फाड़ भी दी हैं। वो क्या करता है कि एकदम से ना मुझे घसीटने के चक्कर में कि बस चलें, तो वो ना खींचता है शर्ट ना, उस चक्कर में मेरी शर्ट भी जो है ना वो अक्सर शर्टें जो है मेरी फटी हैं चौक के पास से। तो बस ये जाहिर सी बात है, अब मैं तो कहीं उसके खींचने से हिल ही ना जाऊँ माशाल्लाह से। तो शर्ट ही फटनी होती है साइड से, तो बस यही बच्चों के साथ चलती रहती है भाई, क्या करें अपने काम भी तो करने हैं ना। तो यहाँ बस बर्तन धो लिए थे मैंने, उसके बाद मैंने सोचा जल्दी से जैनू के लिए जो है मैं खिचड़ी दम देने के बाद एक उसके लिए थोड़े से फ्राइज़ बना देती हूँ ताकि वो कुछ खा ले। ही देखें अभी भी मुझे घसीट रहा है वो, ये इसी तरह वो मुझे घसीटता है, और मैं तो हिलती नहीं हूँ लेकिन मेरी शर्ट फट जाती है साइड से। तो बस यही है जैन साहब का, टाइम चाहिए होता है उसको, बस क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, बस मैं जल्दी से जो है वो जैन के लिए जो है वो फटाफट फ्रेंच फ्राइज बना दूँगी ताकि वो थोड़ा सा खा ले। मैं उसके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों की ना चीज़ें उसके लिए बनाती रहती हूँ, कभी फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ, कभी फ्राइज़ बना लेती हूँ, कभी कोई नगेट्स बना के रख देती हूँ उसके लिए कि वो थोड़ा थोड़ा खा ले, क्योंकि वो बहुत चूसी है, वो उसको खिलाना एक इम्तिहान है मेरे लिए, कुछ भी नहीं खाता वो बच्चा ना, तो उसकी अलग मुझे टेंशन रहती है कि भाई ये बच्चा खा ले ना तो ज़हनी सुकून हो जाता है, और बच्चे नहीं खाए ना तो वाकई में इंसान ना माएँ तो परेशान ही रहती हैं। तो बस मेरा भी कुछ ये ऐसे ही हाल है कि बच्चे नहीं खाते पीते तो मुझे बड़ी टेंशन रहती है भाई, तो बस यही है। और मैं आ गई थी रूम में, अब बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, उस बेड की नहीं करी क्योंकि बच्चे जो है ना वो बाहर से आ रहे हैं कपड़ों में से, ये जैनू आज मुझे बिल्कुल बात नहीं करेगा। एक पिलो कवर मेरा रह गया है चढ़ाना, क्योंकि वो अपना रिजवान जो पिलो है वो नीचे लेके गए हुए सोने, तो बस जब वो आएंगे ऊपर तो फिर मैं इसका भी कवर चढ़ा दूँगी। बाकी डस्टिंग वगैरह तो सब मेरी डन थी, मैंने कर दी थी रात में ही सारी, तो मुझे कुछ ऐसी डस्टिंग वगैरह नहीं करनी। बाकी जैनू ने जीना दुशवार करावा है, इसको मेरा टाइम चाहिए। तो बस ये थी मेरी आज तक की रूटीन, बस मैं आपको अभी वो दिखा देती हूँ जल्दी से जो मैंने तैयार किए थे अपने वो पैकेट और अच्छा चले फिर इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। तो चलें, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दिखा देती हूँ।
ये मैंने एक पैकेट जो था वो टमाटोज का फ्रीज करके रख दिया था ताकि वक्त ज़रूरत काम आ जाए, तो बस एक वो है। और ये दही प्याज को पीस के रख दिया। अब जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो मैं इसके क्यूब्स काट के ना तोड़ के इसको भी ज़िपलॉक बैग में डाल दूँगी। बाकी ये चिकन के पैकेट हैं, इन्हें मैंने धो के रख दिया था और कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर खाना है। और वो एक शामी कबाब पड़ा हुआ है, वो भी फ्राई कर दूँगी रिजवान को। तो किचन मेरा वो किचन गई हूँ, फ्रिज मेरा साफ़ है। ये तो थोड़े से कॉर्न है और ये फ्रोज़न मटर है, ये चीज़ है, ये पानी की बॉटल मैंने ठंडी करने रखी है, बस यही है। तो इतना सा चुन्ना सा था मेरा फ्रिज है, इसमें क्या आएगा बेचारे में। फ्रीज़र है और फ्रिज भी छोटा ही है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो दूसरा फ्रिज खरीदूँगी मैं बड़ा। अभी तो मुझे बहुत मसला होता है लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता है छोटी फैमिली के साथ। तो चलें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सांस मेरा फूल रहा है क्योंकि मैं नीचे गई हुई थी जैनो को लेकर, उसने खूब दौड़ाया मुझे अभी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।